ये है कि सबसे पहला वीडियो गेम जो बनाया था 1958 में वो एक फिजिसिस्ट ने बनाया था और वो एक टेबल टेनिस जैसा गेम था। अब सोच रहे 70 साल पहले वो गेम बनाया था और उस गेम का नाम था टेनिस फॉर टू। वेलकम 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 टू अ न्यू एपिसोड ऑफ द बिग पैक पॉडकास्ट, अ स्पॉटिफाई ओरिजिनल। आज का पॉडकास्ट मैं चालू कर रही हूँ क्योंकि मिथिलेश इधर नहीं है। यस, हम लोग अभी मालदीव्स गए थे रिसेंटली एंड उसको पानी उधर का इतना पसंद आ गया कि मुझे वो बोला कि मैं इस पानी में ही रहने वाला हूँ और मैं नहीं आ रहा हूँ तो तू अकेली निकल जा। तो मैं आ गई इधर एंड वो आज का दिन, आज का पॉडकास्ट इतना मिस करने वाला है, मैं बता नहीं सकती तुम लोग को, क्योंकि मेरे सामने एक बहुत बड़े लेजेंड, बहुत बड़े अच्छे कलाकार और आई रियली कांट इमेजिन ही सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी। आई कांट बिलीव दैट मिथिलेश उनकी इतनी अच्छी मिमिक्री करता है, उसको उनको कब से मिलना था और वो पानी के लिए ये पॉडकास्ट मिस कर रहा है। आई कांट बिलीव। सो लेट मी इंट्रोड्यूस दी मोस्ट स्पेशल गेस्ट, ऋत्विक You are the most favorite actor. I'm telling you, मैं मेरी नानी को बताती थी कि इनका डांस कितना अच्छा है और मैं आपको देख के आपके सिग्नेचर स्टेप्स करती थी। आपको लग रहा है, मेरे आपको देख रहा है मेरे में मुंह पे कितनी बड़ी स्माइल है। मैं सच्ची बोलती हूँ, मैं खाली आपके लिए पिक्चर्स देख रही आपकी, आपकी एज, आपकी बॉडी एंड एवरीथिंग। ओ माय गॉड, और आज आप मेरे सामने बैठे हो। सर, फर्स्ट लेट मी टेल यू कि आपका 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 काम बहुत अच्छा है एंड प्लीज ऐसे ही करते रहो, ऐसे ही एंटरटेन करते रहो एंड थैंक यू फॉर कमिंग। यार मतलब सर, आप हमारे पॉडकास्ट पे आए हो, बहुत बड़ी चीज है। थैंक यू। वेल, इट्स अ ग्रेट प्लेजर टू बी हियर। आई मीन, आप इतनी बड़बड़ कर रहे थे कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं मुझे बात करने का मौका मिलेगा। सर, आज मैं आपको बहुत बात करने देने वाली हूँ और एंड ऑफ द पॉडकास्ट में आपको हम आपसे कुछ मराठी भी कर बोले करवाएंगे। मैंने एक चीज नोटिस किया कि आपकी हिंदी बहुत ही ज्यादा गंदी है। सर, आप मुझे हिंदी सिखा दो, मैं आपको मराठी सिखा दूंगी। Well, my Hindi is good, but I feel like my English is just fantastic. Yes, my English is also fantastic. So, do you want to talk in English? That would be great. But I think this podcast is Hindi podcast. I mean, it's the Mithpat podcast. But Mithpat is missing here. Yeah, Mithpat नहीं है। Yeah. सर, वो आपका बहुत बड़ा फैन है। बट अभी उसके बारे में नहीं बात करते हम लोग, क्योंकि वो हमेशा बात करता रहता है। आज मैं ज्यादा बात करने वाली हूँ। वो हमेशा मुझे टोकते रहते, मुझे बात करने दे। आज वो होने ही नहीं वाला है। क्या आप मुझे बात करने दे सकते हो? Because I just feel कि मैं इस पॉडकास्ट को आया लेकिन मुझे बात ही नहीं करने को मिली। Sorry sir, आप मैं आपका वो अनुपम मित्तल वाला पॉडकास्ट देख रहा था, सुन रहा था, सॉरी पॉडकास्ट सुनते हैं एंड आई फील कि उसमें उन्होंने बहुत सारा बात किया और वो शो में तो बहुत बार बोलते रहते हैं कि मुझे तो कोई बात ही नहीं करने देता। सर, आप उनकी भी इतनी अच्छी मिमिक्री कर लेते हो। Well, it's just like it's alien gifted talent. So you're a great dancer, you're a great actor and now you're a great mimicry artist also. वो क्या है कि कुछ सालों पहले इस धरती पे एक एलियन आया था और उस एलियन ने मुझे इतनी ज्यादा शक्ति दी that I just became great, यार। वो ट्रू है। अगर आपने अभी एलियन का नाम लिया ही है, yeah. उनके बारे में बात कर रहे हो, मुझे आपको पूछना था कि आप एलियंस में विश्वास रखते हो क्या? I mean, एलियंस से तो मैं मिला हूँ, so I think that aliens are really nice creatures. कहाँ पे मिले हो आप? एलियन एक्चुअली जब मैं गया था हिमाचल में नॉर्थ इंडिया, ओके, वहाँ पे एक यूएफओ लैंड हुआ। ओह माय गॉड। और उस यूएफओ में से क्या आपने वो गेम खेला है, पॉपी प्ले टाइम? नहीं, मैंने नहीं खेला है। पॉपी प्ले टाइम में एक कैरेक्टर है हगी वगी करके। अच्छा अच्छा। वो एकदम नीला कलर का एक प्राणी है। अच्छा, सेम टाइप का एलियन मुझे मिला था। ओह माय गॉड, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था फिर? आप डरे नहीं, मतलब आपको खा जाएगा या कुछ करेगा? जैसे ही मैंने उस एलियन को मिला तब मेरे मुंह से ये निकला, आयला ऐसे थोड़ी ना होते, ये एलियन कौन है? आयला, ये एलियन तो ब्लू कलर का, ऐसे थोड़ी ना होते। इस एलियन को मैं लेके जाऊंगा और घर पे जाऊंगा और माँ को दिखाऊंगा और माँ इसको बोन बेटा देगी। तो आपको नहीं लगा कि आप यूएफओ में जाके बैठे और उस एलियन के साथ घूम के आए, जरा ऐसा लगा नहीं आपको? That would have been great, यार, बट मैंने ये सोचा ही नहीं। आई थिंक जब इसका 4th-5th पार्ट आएगा तब हम ये कर सकते हैं, हम लोग यूएफओ को लाएंगे, उस एलियन को बाहर निकालेंगे, उस एलियन को धरती पे रख देंगे और मैं खुद यूएफओ में से मार्स पे चला जाऊंगा। क्या आपने इस आइडिया को दिया तो आप क्या इस मूवी को डायरेक्ट करना चाहते हो? Are you serious? No, I'm not serious. जब मिथपैट, I think कहाँ पे गया मिथपैट? वो मालदीव्स में गया सर, उधर उसने इतनी मछलियां देखी। I got it, but जब वो मालदीव्स से वापस आएगा? वो नहीं आने वाला सर, उसको नीमो दिख गया उधर। क्या दिख गया? नीमो एक फिश का नाम है। I know, I've seen the movie, yeah. हाँ, और देख के वो इतना पागल हो गया कि वो बोला अभी मैं कोरल्स में जाके बैठूंगा नीमो के साथ फुल टाइम। वाओ, लेकिन क्या तुमने भी नीमो को देखा? मैंने भी देखा सर, बट वो थोड़ा पागल है, उसको नीमो दिख गया तो बोला मैं कोरल्स के साथ उसके साथ ही बैठ जाऊंगा। I
I remember, yeah, scuba diving is a great experience. So, मेरी एक movie आई थी कुछ, I think उसको 10 साल हो गए, वैसे मैं दिखता तो नहीं हूँ. I'm 50, do you know that? No, you still look like 35. That's great, yeah. मेरे जो 6-pack abs है. हाँ, वो, उसके बारे में जो question था. I want to talk about scuba diving first. Okay, sorry sir, I'm sorry to interrupt. Yeah, so जब 10 साल पहले I think मेरी movie आई थी, तब मैंने scuba diving किया था उसमें. अच्छा, आपने भी scuba diving किया? You have not watched the movie? I have sir, I'm so sorry, I have. वो गलती से निकल गया. Actually, मैंने सब बोला क्योंकि मैंने खुद भी scuba diving अभी किया है. हाँ. तो आपके बारे में बताओ, इंसिडेंट्स के बारे में, फिर मैं बताती हूँ मेरा कैसा था एक्सपीरियंस. सो इनिशियली जब मैं स्कूबा डाइविंग करने गया था, तभी मुझे वहाँ पे एक बहुत सुंदर इंस्ट्रक्टर मिली थी. उसका नाम तो मैं भूल गया, लेकिन अलोंग विद हर देयर वाज माय आई हैड गॉन विद टू फ्रेंड्स टू स्पेन. ओके. एंड वहाँ पे इट वाज मेरे एक दोस्त का बैचलर ट्रिप था. अच्छा. एंड वहाँ पे हम लोग स्पेन को गए थे. आई थिंक यू हैव वॉच्ड द मूवी. यस, आई हैव आई कैन रिमेम्बर नाउ. सो उस सीन में मुझे स्कूबा डाइविंग आती नहीं है. एंड मेरा दूसरा दोस्त है, वो पर्पसली ये ट्रिप को मुझे टॉर्चरस बनाने के लिए मुझे स्कूबा डाइविंग करने के लिए फोर्स करता है. अच्छा. सो आई फर्स्टली आई डिडंट वांट टू डू इट. एंड देन उसने क्या किया कि उसने मुझे फोर्स किया. एंड देन द इंस्ट्रक्टर वाज रियली गुड लुकिंग. ओह, यू डिड स्कूबा डाइविंग बिकॉज़ ऑफ द इंस्ट्रक्टर और बट वो बातें बात करते हैं उसके बारे में. लेकिन वो इंस्ट्रक्टर ने मुझे अच्छे से स्कूबा डाइविंग. सो डिड दे टेल यू द बेसिक्स ऑफ स्कूबा डाइविंग? यस यस. लाइक उंगली ऊपर मतलब थम्स अप मींस यू वांट टू गो ऊपर. या थम्स डाउन मींस नहीं, मुझे नीचे ही रहने का है. एंड देन दिस सुंदर साइन, आई डोंट नो हाउ टू, आई मीन ओ इज परफेक्ट साइन. या सो ये मैंने किया एंड इट वाज मैजिकल. यार जो पानी के नीचे मैंने जो देखा, इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल. लाइक मुझे याद है कि पानी के नीचे एक मुझे बोमबिल दिखा. क्या बोल रहे हो, बोमबिल आपको स्पेन में बोमबिल दिखा? बोमबिल मिला. बोमबिल फ्राई भी किया और फिर पानी के अंदर हमें पापलेट भी मिला. एंड आई वाज जस्ट वाचिंग द पापलेट एंड आई वाज थिंकिंग दैट डैम, अगर इस पापलेट को लेके मैं उस एलियन को दे रहा तो द एलियन वुड हैव बीन सो फैंटास्टिक. यार Sorry, I'm way too funny. I can't believe. My next question to you, sir, is you're such an amazing dancer. Yeah. कहाँ से सीखा आपने इतनी अच्छी डांसिंग? I mean, क्या जब मैं बचपन में जब मैं बहुत बड़ा स्टार नहीं था, तब मैं जब ट्रेन से ट्रैवल करता था तो ट्रेन में गर्दी बहुत होती थी. सो गर्दी को निकालने के लिए मैं वो मेरा स्टेप करता था. अभी मैं स्टेप तो पॉडकास्ट में दिखा नहीं सकता क्योंकि दिस इज अ ऑडियो पॉडकास्ट, आप बस सुन सकते हो. बट आप इमेजिन कर सकते हो मेरा जो बहुत फेमस वाला स्टेप है वो मैं करता था. ढकलने वाला हाथ से पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, वो पंप चालू करते हैं ना वैसा वो स्टेप है मेरा. और मैं वो कर रहा था एंड क्योंकि ट्रेन में बहुत ज्यादा गर्दी थी एंड वो स्टेप करते करते आई जस्ट बिकेम अ ग्रेट डांसर. या सर, फिर वो पानी वाला स्टेप कैसे करते, जैसे बॉडी पूरी ऐसे पानी जैसे हिलाते हो, स्नेक जैसी, वो कैसे कर लेते हो आप? कुछ ऐसा हिंट वगैरह क्या मुझे बता दो ना प्लीज. लेकिन वो कॉकरोच मेरे पजामे के अंदर चला गया. Oh my God. पजामा से मेरे शर्ट के अंदर चला गया. Oh my God. और मैं ऐसे ऐसे हिलने लगा that this step became a signature step. Yeah, that makes so much sense. Yeah. I left out the question there, उधर मैं आपको पूछ रही थी. My question was that आपके जो abs है इतने ऐसे कड़क कड़क दिखते हैं, वो सच्ची abs है कि उधर आपने permanent biscuits लगा के रख दिए? Well, किसको बोलना मत. But क्या ये off podcast हो सकता है? हम ये podcast में डाल देंगे. हाँ, चलेगा, बता देना. वो क्या है ना कि बहुत दिनों से पार्ले जी मुझे स्पॉन्सर नहीं कर, मुझे मतलब मिडपैड को स्पॉन्सर नहीं कर रहा. So, मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, वो पार्ले जी की जो बिस्किट है वो यहाँ पे 6 लगा देते पेट पे. एंड उससे क्या होगा कि शायद वो लोग देखेंगे और फिर उसके बाद वो में भी मुझे मेरे को मतलब मिडपैड को स्पॉन्सर कर देंगे. अरे नाइस आइडिया सर, बहुत नाइस आइडिया है. Next question, sir. Acting is your like first love. I don't have lot of time. मुझे घर पे भी जाना है. नहीं नहीं, मैं पूछ रही हूँ आपको, मैं acting नहीं कर रही हूँ sir. I know आप acting नहीं कर रहे, लेकिन please आप अपने question जरा fast पढ़िए क्योंकि मुझे घर पे निकलना है. अच्छा, आपको कौन से type की movies करना पसंद है sir? Well, I like action movies क्योंकि मैंने बहुत सारे action movies किए हैं. मैंने bike चलाया action movies में, मैंने बहुत सारे stunts किए, so I like action movies. But I want कि मेरे हर movie में एक dance हो, because I love dancing. Yeah. आपने कभी bike पे dancing try किया है? खड़ी रहके? बाइक पे डांसिंग? एक सेकंड, बाइक ऐसा चल रहा है और आप ऐसे मस्त स्नेक का स्टेप कर रहे हो, फिर आपका सिग्नेचर स्टेप कर रहे हो, सर कभी ट्राई करना चाहिए सर आपने. वेल दिस इज अ ग्रेट आइडिया यार. एक सेकंड, पापा पापा मुझे अगले मूवी के लिए आइडिया मिल गया, अब मैं घर पे आके बताता हूँ. या आपने एक मूवी में सर कुकिंग किया था, आप शेफ जैसे मस्त कटिंग कर रहे थे, तो आप मुझे याद है कि मैं टमाटर काट रहा था. एंड टमाटर सूप तो नहीं बना रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा. बट आई थिंक क्या हुआ था कि उसके बाद खाना बहुत गंदा बना था, तो मैंने
बाहर से ही ऑर्डर कर दिया। तब घर पे भी खाना नहीं बनाते खुद से? Well, I cook sometimes, but I have lot of aliens जो मेरे लिए काम करते हैं, तो मैं इस दुनिया का खाना खाता ही नहीं हूँ। मेरा खाना इस दुनिया से बाहर ही होता है। Oh, that's very interesting, sir. बहुत lucky हो सर। और एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको मुझे क्वेश्चन पूछना था। एंड यूजुअली जस्ट टू ऐड टू योर क्वेश्चन, ओके, कि आप घर पे क्या खाते हो? यूजुअली जब भी घर पे कुछ खाना नहीं होता तब मैं मेरे माँ के पास जाता हूँ और माँ मुझे बोनवीरा देती है, फिर मैं बोनवीरा पीता हूँ और सो जाता हूँ। ओह दैट इज रियली स्वीट। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, कि ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है सर, इसका आंसर आप बहुत सोच के देना। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि नहीं ये तो मैं डिसाइड करूंगा ना। मैं बोल रही हूं आपको यार, ये किसके साथ इंटरव्यू को बिठा दिया? हाउ मच टाइम डू वी हैव? लेट्स बी प्रोफेशनल सर, आपकी हाइट क्या है? My height is around 5'11". So you're 5'11"? आप देख सकते हो ना मुझे सामने? Sir, no, mid-pad is 6'4". I thought you're taller than mid-pad. मुझे एक बात बताओ, mid-pad के bank account में कितने पैसे हैं? Sir, definitely not 1,000 crores. 1,000 crores? अरे आपका sense of humor मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। Thank you, sir. Sir, मुझे पूछा था कि ये aliens जो है, इनके नाम भी होते हैं कि उनको A1, A2, A3 से बुलाया जाता है? I mean, some of them have some names. But, फिर उनके नाम अपने मोंटू पिंकी ऐसा रखा है क्या? No, I mean, मेरा एक बहुत स्पेशल एलियन है, उसका नाम है बस, बाकी तो एलियंस आई डोंट नो कहां पे होते हैं। क्या क्या नाम रखा है उसका आपने? उसका मैं नाम इस पॉडकास्ट पे ले नहीं सकता। अच्छा, नहीं ले सकते। सर, आपने माँ को इंट्रोड्यूस कराया आपके फ्रेंड से? जब मैं मेरी माँ को उसके घर लेके आया था, माँ उसको देखी और माँ चौंक गई, फिर माँ बोले इसको घर के बाहर निकाल दिया। मैं माँ को बोला, माँ नहीं, ये घर के बाहर जाएगा तो मैं भी घर के बाहर जाऊंगा, फिर माँ ने मेरे को भी निकाल दिया। क्या बोल रहे हो, फिर आप कहाँ रहने गए? यूएफओ में? हाँ, फिर मैं उसके बाद यूएफओ में रहने को गया, लेकिन वहाँ पे बहुत सारे एलियंस थे, वो सब ब्लू कलर के थे, तो मैंने क्या किया, मैंने ब्लू कलर का पेंट लिया, मैंने खुद के सिर पे ब्लू कलर का पेंट लगाया, फिर उन्हें एलियंस को समझाया नहीं। दैट्स वेरी स्मार्ट सर। व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम? जब मेरे पास फ्री टाइम होता है तब मैं ऐसे फालतू इंटरव्यूज करता हूँ। सर आपका हो गया तो मैं जाऊँ? नो सर, डू यू वांट टू आस्क वन क्वेश्चन टू यू सर? आई डोंट वांट यू टू आस्क मी एनी मोर क्वेश्चंस, बिकॉज़ आई थिंक मेरी जिंदगी का सबसे खराब इंटरव्यू ये था। आप कुछ भी प्रश्न पूछ रहे हो सर। आई यू अवेयर दैट मिटपर कोई मिमिक्री करता है? यार, मैंने मिटपर के ज्यादा वीडियोस तो नहीं देखे, लेकिन उसके कुछ कुछ वीडियोस आए हैं जिसमें उसने मेरा आवाज निकाला है ना, आई मस्ट से वो बहुत ही ज्यादा अच्छा आवाज निकालता है। मुझे लगा आप बोलेंगे बहुत ही गंदा आवाज निकालता है। नो, इट्स रियली ग्रेट। या इट्स गुड, इट्स ग्रेट। सो हैव यू थॉट इन फ्यूचर यू माइट गिव हिम द जॉब ऑफ डबिंग फॉर यू? अगर आपको बोर हो रहा है बात करने के लिए तो आप मतलब दे सकते हो उसके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी? आई मीन, मैंने ये ऑलरेडी सोचा है, क्योंकि बहुत बार जब मैं मूवीज में बहुत बड़े बड़े सीन करता, जब चिल्ला, आपको एक सीन आ रहा है उस मूवी में, मेरे फ्रेंड के साथ इन्वॉल्व होना वाज नॉट फनी, आपको सीन याद है? यस सर। उसमें मैं इतना जोर से चिल्लाया था कि उसके 3 दिन तक हम लोग शूटिंग नहीं कर पाए, तो उसके लिए मुझे मिटपैट की जरूरत लग सकती है। मतलब मिटपैट के पास कुछ तो जॉब है, तो आप मिटपैट को फोन करके बुला सकते हो यहाँ पे? सर अभी कॉल करती हूँ उसको। बस एक चीज और बोलना कि मालदीव से आते वक्त मेरे लिए कुछ 2-3 बोमिल भी लाए। अरे सर डेफिनेटली, बोमिल के साथ मैं पापलेट आने को भी बोलूंगी, और सुरमई भी चाहिए आपको? आई लव सुरमई। सर प्रॉन्स भी चाहिए आपको? आई मीन प्रॉन्स तो इधर मिल जाते हैं, बट सुरमई, रावस, बोमिल और उसके साथ मंदेली। सर यू लव फिश लाइक एनीथिंग, मुझे बहुत फिश पसंद है। सर इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। एक सेकंड, मेरा फोन बज रहा है। Oh, hi bro, how are you doing? No man, I'm in this podcast. What is it called? The Mid-Pad Podcast. The Mid-Pad Podcast, sir, yeah. Sir, kaun hai? It is Sauruk. What? Sauruk. Sauruk? Sauruk? The superstar Sauruk hai? Sauruk. Sir, can you please tell him to come on the next podcast? Please, sir. Hey, you know he's one of the biggest stars. Sir, it will be amazing to have him. I can't tell you, sir. Please, sir, please convince him now. Can I please talk to Sauruk? आप मुझे इंटरप्ट करना बंद। या सौरभ आज तो संडे है ना, आज तो शूटिंग नहीं करता मैं। सर प्लीज सर। अरे यार इसका वापस चालू हो गया। सौरभ एक सेकंड, सौरभ मैं फोन किसी को तो दे रहा हूँ, प्लीज टॉक टू हर्ष, वो मेरा दिमाग खा रही है, आप ही कर रहे बात। हेलो सौरभ सर, आई एम बिग फैन सर, आई एम अ रियली बिग फैन सर, आई वॉच अ लॉट ऑफ मूवीज एंड सर इट विल बी प्लेजर टू मीट यू एंड डू अ पॉडकास्ट विद यू, वी विल हैव अमेजिंग कन्वर्सेशंस एंड सर इट विल बी अ बैंगर पॉडकास्ट सर, प्लीज कैन यू प्लीज कम ऑन द पॉडकास्ट? Thank you so much, sir. It will be a pleasure to do a podcast with you, sir. Yeah. Thank you so much, Sauruk, sir. Thank you for giving your time. आपका हो गया तो मैं फोन रख दूँ अभी? Yes. क्योंकि मेरे फोन में for some reason incoming का भी पैसा लगता है। I don't know. Sir, वो आपके friend ने कुछ तो किया है definitely. Yeah, I feel मेरा जो alien friend है वो actually wait, वो मुझे Mars से फोन करता है, तो Mars से तो incoming का पैसा लगता होगा। हाँ ना। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या आप भी सर? यार ओके, एनीवे क्या मैं जा सकता हूँ अभी, क्योंकि मुझे बहुत दूर हो रहा है। Yes, definitely you can, sir. But thank you so much for coming on the podcast, for giving such amazing answers, yeah, and for being the most special guest. समझ गया, मुझे जिम के लेट हो रहा है, please let me leave. Yes, sir. Thank you so much again, sir. That's it for the podcast, guys. Don't forget to
फॉलो पॉडकास्ट एंड प्लीज गाइस आपको नीचे एक फॉलो का बटन दिख रहा होगा उस पे जाके क्लिक करो क्योंकि अगले ट्यूजडे को आपको एक नया पॉडकास्ट सुनने को मिलेगा विद मे बी सौरुख या फिर सौरुख जोशी या फिर एनीबडी आई डोंट नो बट वो फॉलो कर देना एंड अभी मैं निकलता हूँ और मिलता हूँ तुम लोग से अगले नहीं मैं नहीं मिलने वाला क्या बोल मैं निकलती हूँ मैं और मिलती हूँ तुम लोग से अगले पॉडकास्ट में तब तक के लिए आई जस्ट फील फैंटास्टिक आई जस्ट फील फैंटास्टिक बाय बाय आप सुन रहे थे द मिथ पैक पॉडकास्ट A Spotify original. Produced by Offspin Media Friends. Co-produced by Oprah FX. Follow button dabaiye aur sunye ek naya episode har Tuesday only on